डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमीज नेट प्रो पे। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के लिए एक और धमाकेदार वीडियो लेके आए हैं। आज हम हायर एजुकेशन में 2012 से लेके 2023 तक मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। 14 क्वेश्चन आपको ऐसे दिखाएंगे जो हर बार एग्जाम में आए हैं और इस वीडियो में आपको 10 कीवर्ड ऐसे दिखाएंगे जिनको आप देख के बिल्कुल आसानी से हायर एजुकेशन के क्वेश्चन कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप ये वीडियो अच्छे से देखते हैं तो मेरा दावा है कि पहली बार में ही आपका नेट और GRF क्वालिफाई हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना जी। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं, दोस्तों NTA UGC नेट एग्जाम 2023 को देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल पेड कोर्स लॉन्च किया है, कंप्लीट स्टडी कोर्स फॉर पेपर फर्स्ट। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है। नंबर एक पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स मिलेंगे हिंदी इंग्लिश में। नंबर दो पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोज मिलेंगी। नंबर तीन पे दोस्तों आपको 2012 से लेकर 2022 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे। नंबर चार पे दोस्तों आपको 2012 से लेकर 2022-23 तक जो भी हमारे क्वेश्चन आए हैं वो यूनिट वाइज किए हुए मिलेंगे। जैसे कि हमारे रिसर्च के क्वेश्चन आज तक जो आज के वो अलग है, ICT के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है, सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर पांच पे दोस्तों जो सबसे यूनिक चीज आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, हमने यूनिट में से सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी अलग किए हुए हैं। जैसे कि रिसर्च में हम बात करें टाइप ऑफ रिसर्च, टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, टाइप ऑफ सैंपलिंग, इस तरह से हम बात करें टीचिंग में टाइप ऑफ टीचिंग मेथड, मॉडल ऑफ टीचिंग, इस तरह से सभी यूनिट के सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर छह पे दोस्तों आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा, इनके नोट्स दिए जाएंगे, इनकी वीडियोस आपको मिलेगी, प्लस में आपको लाइव मॉक टेस्ट भी मिलेगा इनका। नंबर सात पे दोस्तों आपको मैथ और DI के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए मिलेंगे नोट्स के अंदर। इस दौरान दोस्तों वीडियोस आपको लाइव प्लस में रिकॉर्डेड मिलेगी। जो दोस्तों लाइव क्लास लेना चाहता है वो लाइव ले सकता है और जो रिकॉर्डेड देखना चाहता है वो रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकता है। इस दौरान आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसकी कोर्स की प्राइस हम बात करें तो 7,000-8,000 रुपए इसकी फीस बनती है, लेकिन आपसे इतना पैसा नहीं लिया जा रहा दोस्तों। आप 500 से लेकर 1,000 रुपए में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और समय समय पर ऑफर चेंज होता रहता है। तो आप नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए वो सभी क्वेश्चन हम देखेंगे। पहले हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, जो कीवर्ड है हमारे उनको देखते हैं जहाँ से हमारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। देखिए UGC की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 28 दिसंबर 1953 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने औपचारिक तौर पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की नींव रखी थी। ये दोस्तों यहाँ पे इन्होंने नींव रखी थी, यहाँ पे स्थापना नहीं हुई थी और कानूनी रूप से इसको लागू नहीं किया गया था जी। तो इसे कानूनी रूप से कब लागू किया गया था, 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा इसे स्थापित किया गया था जी। तो यहाँ से इनसे हमारे क्वेश्चन पूछे बनते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। औपचारिक रूप से इसके बारे में जिक्र कब किया गया, नींव कब रखी गई 1953 को, और लेकिन लागू कब किया गया, इसे स्थापित कब किया गया कानूनी रूप से 1956 को जी। तो ये आपको पता होना जरूरी है जी। और एक क्वेश्चन हमारा इसमें से आया था पहले, इसके जो कार्यालय है वो कहाँ कहाँ पे, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, गुवाहाटी, बेंगलोर में क्षेत्रीय कार्यालय है, और एक मुख्य कार्यालय कहाँ पे है, दिल्ली में इसका मुख्य कार्यालय दिया हुआ है जी। और इसका काम क्या है दोस्तों UGC नेट का, और इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, UGC के निम्नलिखित में से कौन से कार्य है। यह भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा के संदर्भ में शिक्षण परीक्षा और अनुसंधान के मानकों के निर्धारण और रख रखाव के लिए जिम्मेदार है जी। विश्वविद्यालय और कॉलेजों को अनुदान आवंटित करता है, ये उनको ग्रांट देता है। जैसे नाम ही पता है ना, नाम से ही पता चल रहा है UGC का है ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, तो ये क्या है, ग्रांट देता है। समय समय पर केंद्र सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली नीति और सिफारिश करने में सक्षम होता है जी। केंद्र सरकार द्वारा जो भी नीतियां सिफारिश होती है वो उनको लागू करने में काम करता है। कुशल प्रशासन, अनुसंधान और शिक्षण के न्यूनतम मानकों को सुनिश्चित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है जी। तो अब हम इससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन है वो क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाए जी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आप नीचे देख सकते हैं ये क्वेश्चन हमारा कब आया है, ये 2 दिसंबर 2018 को क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसके अंदर क्या बोला गया है दोस्तों, ये देखिए 28 दिसंबर 1953 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का औपचारिक उद्घाटन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अभी हम इसको करके आए हैं
जी क्या होगा? ऑप्शन टू होगा क्या? राजेंद्र प्रसाद? नहीं, यस ऑप्शन इसका ए होगा जी, बिल्कुल सही है, ए इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इस तरह से हमारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जी। और आगे हम देखते हैं दोस्तों, आगे इससे रिलेटेड हमारे कैसे क्वेश्चन आए हैं। विश्वविद्यालय अनुसंधान सॉरी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी, ये हमें बताना है जी। तो एक तो हमने बताया था नींव कब रखी गई 1953 में, और इसे स्थापित कब किया गया 1956 के अंदर जी। ये देखो ऑप्शन वन इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगर आप इसका राइट आंसर देखना चाहें तो यहाँ से आप देख भी सकते हैं जी। ये देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है जी, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन करने हैं जी। आगे हम देखते हैं दोस्तों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, वो हमें बताना है जी। और इस वीडियो में दोस्तों हम बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं, टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी भी करेंगे, और यूनिवर्सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, बोर्ड होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। बहुत कुछ इसमें आज होने वाला है, बहुत मज़ा आएगा आपको। इस वीडियो को आप पूरा देखना, ध्यान से देखना जी। देखिए इसमें कौन सा कथन हमारा सही नहीं है वो हमें बताना है। देखिए इसके अंदर सबसे पहला क्या है हमारा, 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा इसे स्थापित किया गया, ये बात तो इसकी बिल्कुल सही है ना। सही है क्या बताओ भाई, इसकी बात सही है या गलत है? ये बात तो इसकी बिल्कुल सही है, अधिनियम द्वारा इसे स्थापित किया गया था, और इसे उच्च शिक्षा के उन्नति और समन्वय का कार्य सौंपा गया, ये बात भी इसकी सही है। इसे केंद्र सरकार के योजनागत और गैर योजनागत निधियां प्राप्त होती है जी, केंद्र सरकार से इसे निधियां प्राप्त होती है, ये बात भी सही है जी। राज्य विश्वविद्यालयों के लिए इसे राज्य सरकार से निधियां प्राप्त होती है, ये बात इसकी सही नहीं है जी। तो इसका राइट आंसर भी हम यहाँ से देख लेते क्या होगा जी। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर फोर इसका सही नहीं है, बाकी ऑप्शन सही है जी। चलिए आगे हम बात करते हैं दोस्तों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों के लिए गठित किया गया था जी। इसका राइट आंसर यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, मैंने हाइड करना, मैं भूल गया इसका आंसर, और इसको एक मिनट यहाँ से हम हाइड कर देते हैं। आंसर तो वैसे पता चल गया, बट हम समझते हैं इसको क्या ये कह रहा है जी। किस लिए गठित किया गया? अनुसंधान के उन्नयन और उच्च शिक्षा के विकास के लिए जी, अनुसंधान के लिए इसे किया गया था, ये बात बिल्कुल सही है। संभावनाशील अधिगम वाले संस्थानों की पहचान और उन्हें उन्हीं रूप में बनाए रखने के लिए, शिक्षकों का समता निर्माण, भारत की उच्च शिक्षा क्षेत्र की प्रत्येक संस्था को सहायता प्रदान करने के लिए। ये देखो इसमें कौन सी चीज़ हमारी सही नहीं है वो आप देख लीजिए। इसमें मेरे ख्याल से ऑप्शन फोर इसका सही नहीं होना चाहिए। ये देखिए ये क्या कह रहा है, भारत की उच्च शिक्षा क्षेत्र की प्रत्येक संस्था को सहायता प्रदान करना, नहीं दोस्तों प्रत्येक संस्था को सहायता प्रदान नहीं करना, क्योंकि हो सकता है कोई संस्था गलत तरीके से काम कर रही हो, उसके पूरे मानक नहीं हो, हो सकता है उसकी ग्रेडिंग सही नहीं हो, तो बहुत से रीज़न हो सकते हैं। तो यूजीसी उसी को परमिशन देता है, उसी को सहायता प्रदान करता है जो रूल रेगुलेशन फॉलो करते हैं। तो इसका ऑप्शन होना चाहिए बी जी, ए बी सी इसका राइट आंसर होना चाहिए। और हाँ यही था हमने स्टार्टिंग में देखा था ना, हाँ यही था इसका राइट आंसर जी। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, आगे निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के अधीन डिग्री देने या प्रदान करने के लिए सक्षम है, वो हम देखते हैं। संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय जी, बिल्कुल सही है। विधानमंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित, ये भी बात सही है। भारतीय भाषाई अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय संस्था, विश्वविद्यालय समझे जाने वाली संस्था जी। तो ऑप्शन इसमें मेरे ख्याल से एक दो और चार सही होने चाहिए। तो इसका राइट आंसर हम यहां से देख लेते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है जी, बिल्कुल सही दोस्तों जी। आगे इस दौरान मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ दोस्तों, हायर एजुकेशन के कम्प्लीट करंट अफेयर चाहिए अगर आपको पीडीएफ में, तो कैसे लेना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे हमने ये पीडीएफ दी हुई है, यहाँ पे नीचे देखेंगे तो ये पूरा करंट अफेयर है यूजीसी नेट हायर एजुकेशन का, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको सिंपली गूगल में आना है और यहाँ पे लिखना है हायर एजुकेशन करंट अफेयर 2023, और लास्ट में लिखना है निमिजी नेट, और जैसे ही आप नीचे आएंगे ये आप देख सकते हैं न्यू हायर एजुकेशन करंट अफेयर 2023 पीडीएफ,
इस पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये पोस्ट ओपन होगी, और इसको आप पूरा करंट अफेयर यहाँ पे दिया हुआ है, टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी, और ये देखो 2023 को अपडेट किया हुआ, ये लेटेस्ट कितनी यूनिवर्सिटी है, क्या है, कैसे है, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड नाउ, ये आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना, और हमारे निमिज नेट साइट पे आपको बहुत कुछ फ्री में मिलने वाला है। तो आप यहाँ पे होम पेज पे आके और भी बहुत सी चीज़ें ले सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे है हमारा, ये देखो 2022 के ऑल शिफ्ट क्वेश्चन पेपर फर्स्ट और सेकंड आपको मिल जाएंगे, और ऑल अबाउट पेपर फर्स्ट, बुक्स, फ्री वीडियोस, मटेरियल, बहुत कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है जी। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना। हम बात करते हैं दोस्तों यूनिवर्सिटी जी, तो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम देखते हैं जी। ये देखिए यूनिवर्सिटी, राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति, कुलाधिपति को क्या कहते हैं, चांसलर कहते हैं। जो स्टेट यूनिवर्सिटी होती है हमारी, उनका जो चांसलर है, राज्य का राज्यपाल होता है। यहाँ से हमारा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, आप इसको याद रखना जी। जो भी हमारे स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटी है उनके चांसलर कौन होते हैं, राज्य का राज्यपाल होता है। दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलाधिपति वहाँ का उपराज्यपाल होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से हमारा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है जी। विश्वविद्यालय का वास्तविक दायित्व वाइस चांसलर पे होता है, वह विश्वविद्यालय एवं उसके अंतर्गत आने वाली सभी महाविद्यालयों के प्रशासन एवं प्रबंध का दायित्व संभालता है, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों जी। जो इसका वास्तविक दायित्व किसके पास होता है, वाइस चांसलर के पास होता है जी। यहाँ से हमारे क्वेश्चन आएंगे, आप देखना एग्जाम में जी, और मैं आगे आगे दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। भारत के राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति वाइस चांसलर की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अब देखो वाइस चांसलर जो है हमारा, उसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्य का राज्यपाल करता है जी। और भारत के राष्ट्रपति केंद्रीय विश्वविद्यालयों के आगंतुक है, यानी कि विजिटर होते हैं यो ये, और वीसी की नियुक्ति करने की शक्ति रखते हैं जी। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन बनेगा, आप ये पॉइंट से याद रखना जी। आगे हम देखते हैं दोस्तों, आगे हमारा क्या है, हमारा प्रशासन, एकेडमिक्स, सॉरी एडमिनिस्ट्रेशन, देखते हैं हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर कितने बोर्ड होते हैं, क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो बोर्ड है दोस्तों, कार्यकारी परिषद, सिंडिकेट भी बोलते हैं इसको, एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बोलते हैं, या फिर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं, इसको कई नामों से पुकारा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए जी। इसका क्या कार्य है वो हम देखते हैं, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए, बहुत क्वेश्चन आए हैं जी। यह क्या करता है, यह संस्था संपूर्ण प्रशासनिक कार्यों को संचालित करती है जी, तथा विश्वविद्यालय की संपत्ति, कोष एवं उसके प्रतिदिन के प्रशासन का संचालन करती है, यानी कि प्रशासनिक जो भी कार्य होता है, संपत्ति का लेन देन, उसका रख रखाव, ये सारा सारा कौन करता है, हमारा बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट करता है, और इसको द सिंडिकेट भी बोलते हैं, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी इसको बोला जाता है। यह एक लघु निकाय है, विश्वविद्यालय का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। अब देखिए ये यहाँ पे क्या है, यह एक लघु निकाय है ठीक है, बट विश्वविद्यालय के अंदर ये सर्वोच्च निकाय है, समझ में आ रही है ये बात ठीक है। जो विश्वविद्यालय के अंदर जितने भी हमारे मैनेजमेंट कमेटी वगैरह होते हैं, उसके अंदर सबसे टॉप लेवल का ये होता है जी। और इसके अंदर यह विश्वविद्यालय के विभिन्न खंडों, जैसे कि विभिन्न संकायों, कॉलेज और शिक्षकों के साथ साथ सरकार और जनता का प्रतिनिधित्व भी करता है जी, ये सरकार और जनता के बीच में प्रतिनिधित्व का कार्य करता है जी। आगे हम बात करते हैं दोस्तों सीनेट कोर्ट, सीनेट कोर्ट के अंदर क्या होता है, विश्वविद्यालय संबंधित सभी नीतियों का निर्धारण करती है, तथा बजट आदि की व्यवस्था करती है। नीतियों का निर्धारण कौन करता है, सीनेट कोर्ट ये करता है। आगे हम बात करते हैं विद्यार्थी परिषद, एक संघ का प्राथमिक उद्देश्य छात्रों की समस्याओं का समाधान करना होता है, स्टूडेंट काउंसिल जी। और आगे हम बात करते हैं शैक्षणिक परिषद, यहाँ से हमारा क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में जी, ये देख लेना आप, और यहाँ से क्वेश्चन आया है, और हमारा यहाँ से क्वेश्चन आया है जी।
शैक्षणिक परिषद, एकेडमिक काउंसिल, विश्वविद्यालय का सर्वोच्च शैक्षणिक निकाय है ये दोस्तों, एकेडमिक निकाय है। विश्वविद्यालयों के भीतर शिक्षा, और एक मिनट इसको हम ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए एकेडमिक काउंसिल जी, और ये क्या करता है, विश्वविद्यालय का सर्वोच्च शैक्षणिक निकाय है। विश्वविद्यालयों के भीतर शिक्षा, शिक्षा और परीक्षा के मानकों के रख रखाव के लिए जिम्मेदार है ये। एकेडमिक्स जो भी कार्य है वो इसके अंदर होता है। इसे सभी शैक्षणिक मामलों पर कार्यकारी परिषद को सलाह देने का अधिकार है जी। स्टडी से रिलेटेड जो भी कार्य होगा वो हमारा किस में होगा, एकेडमिक्स काउंसिल के अंदर होगा जी। आगे हम बात करते हैं दोस्तों यूनिवर्सिटी काउंसिलिंग काउंसिल। यूनिवर्सिटी काउंसिल फॉर एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एक अग्रणी गैर लाभकारी अनुसंधान अनुमुख संस्थागत एकमात्र सदस्य संगठन है जो शैक्षिक प्रशासन के पेशे को बेहतर बनाने के लिए समर्पित है जी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें से क्वेश्चन अभी तक कोई नहीं आया है जी। आगे हम देखते हैं दोस्तों बोर्ड ऑफ स्टडी, यहाँ से हमारा क्वेश्चन आया है पहले एग्जाम में। यह एक वैधानिक निकाय है जिसकी संरचना और अधिकार विश्वविद्यालयों के कानूनों से लिए गए हैं जी। वैधानिक निकाय है ये, आप याद रखना। पाठ्य समिति के अध्यक्ष सभा या कुलपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अध्ययन बोर्ड संबंधी डीन के माध्यम से शैक्षणिक परिषद को रिपोर्ट करता है। विभिन्न पाठ्यक्रमों की सामग्री तैयार करना, समय समय पर सामग्री की समीक्षा करना और अध्ययन के नए पाठ्यक्रम शुरू करना आदि इसके अंदर शामिल है जी। ठीक है, तो ये हमारे कुछ बोर्ड्स हैं, इनमें से हमारे क्वेश्चन आए, अभी हम आगे देखेंगे। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों कुलपति, कुलपति के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। विश्वविद्यालय का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, कुलपति होता है। कुलपति के प्रमुख कार्य क्या है, नेतृत्व करना, शैक्षणिक और प्रशासन संबंधी जिम्मेवारी संभालना जी। चलिए अब इससे रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चन आए हैं वो सभी क्वेश्चन हम देखते हैं। एक मिनट, ये मैंने आंसर ऐड कर देता हूँ मैं जी। चलिए, यह है हमारा दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय प्रणाली के प्रशासनिक तथा शैक्षणिक अध्यक्ष कौन होता है, ये बताओ भाई। विश्वविद्यालय के अंदर प्रशासनिक और शैक्षणिक अध्यक्ष कौन होता है, हु इज द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एकेडमिक हेड ऑफ द यूनिवर्सिटी इन द इंडियन यूनिवर्सिटी सिस्टम, बताओ भाई। डीन ऑफ द स्टडी, वाइस चांसलर, चांसलर या फिर रजिस्ट्रार, क्या होगा इसका राइट आंसर, अभी हम पढ़ के आए हैं, बताओ क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर। चलिए हम इसका राइट आंसर देख लेते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा जी। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन टू वाइस चांसलर है दोस्तों, इसका राइट आंसर वाइस चांसलर। अभी मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाके दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी चीज़ें। ये देखिए ये रहा ना, ये देखो विश्वविद्यालय का वास्तविक दायित्व किसके पास होता है, वाइस चांसलर के पास होता है। एक मिनट, ये हम हाइड कर लेते हैं, ये देखिए ये रहा हमारा जी, ये है ना दायित्व किसके पास होता है, वाइस चांसलर के पास होता है वास्तविक दायित्व जी। इसके अंतर्गत आने वाली सभी महाविद्यालयों के प्रशासन एवं प्रबंध का कार्य संभाला जाता है जी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें दोस्तों हमें यहाँ ध्यान देना जरूरी है। चलिए आगे हम देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ये हमने कर लिया। ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी यूनिट इन ए यूनिवर्सिटी हैज ए सैचुरेटिव फंक्शन टू परफॉर्म, ये देखो ये अभी हम करके आए हैं। वैधानिक निकाय, मैंने बताया था ना आपको, एक वैधानिक निकाय बताया था। किसी विश्वविद्यालय में निम्नलिखित में से किस निकाय इकाई को सामधिक कार्य करना होता है, एक वैधानिक निकाय मैंने आपको बताया था, वो किसके अंदर था, वो था हमारा, इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा, क्या होगा ऑप्शन ए बी सी डी, क्या होगा जी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, बोर्ड ऑफ द मैनेजमेंट जी। देखते हैं इसका राइट आंसर जी, वाओ क्या बात है, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट इसका राइट आंसर है जी। तो ये सारे आप देख लेना भाई, अगर आपको कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर आप वीडियो को दोबारा से रिवाइज करके देख लेना जी। ये सारी चीज़ें मैं भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकती है, बट आप दोबारा देख लेना वीडियो। आगे हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50, इसके अंदर हमारा क्या है जी। द फॉर्मल अथॉरिटी फॉर अप्रूविंग द यूनिवर्सिटी लेवल कोर्स, अब ये देखो ये किसकी बात आ रही है,
विश्वविद्यालय स्तरीय पाठ्यक्रमों के अनुमोदन के लिए औपचारिक प्राधिकारी कौन है? अब ये देखो किसकी बात आ रही है, अकेडमिक्स की बात आ रही है, कोर्स स्टडी की बात आ रही है। तो स्टडी की बात आएगी तो इसके अंदर कौन सी काउंसिल, कौन सा कोर्ट, कौन सी बोर्ड काम करेगी इसके अंदर, एकेडमिक काउंसिल, यूनिवर्सिटी कोर्ट, या फिर एग्जीक्यूटिव काउंसिल, या फिर रिसर्च डिग्री कमेटी, क्या होगा इसका राइट आंसर बताओ। देखो नाम से इसका पता चल रहा है, ये आपको आना चाहिए, नहीं तो कुटाई हो जाएगी आपकी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार ये, इसका आंसर तो आपको आना चाहिए। देखिए हमने बताया था ना, जहाँ पे भी स्टडी की बात हो तो वहाँ पे क्या होगा, अकेडमिक्स आएगा, अकेडमिक काउंसिल इसका राइट आंसर होगा। जी राइट आंसर देख लेते हैं। जी बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश दोस्तों। चलिए आगे हम देखते हैं दोस्तों, आगे हमारा क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 ये देखते हैं इसके अंदर। ये फिर वही क्वेश्चन है, ये देखो फॉर्मल अथॉरिटी, ये देखो ये एक क्वेश्चन है जो हमारा रिपीट हुआ है बार बार एग्जाम के अंदर। ये देखो यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा बड़ा करके दे दिया है, द इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ फॉर्मल अथॉरिटी टू अप्रूव द कोर्स एंड प्रोग्राम ऑफ स्टडीज। तो इसका राइट आंसर वही आएगा, क्या आएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन टू आएगा, एकेडमिक काउंसिल आएगा। और ये क्वेश्चन आया है हमारा नीचे आप देख सकते हैं 22 दिसंबर 2018 को आया है, और ये क्वेश्चन हमारा पता नहीं कब आया था। जी ये क्वेश्चन भी हमारा UGC नेट एग्जाम में आ चुका है, बार बार ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हुआ है एग्जाम में। जी तो आप इस तरह से देख सकते कि किस तरह से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आगे दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय भारत में एक विश्वविद्यालय प्रणाली में शिक्षकों की नियुक्ति और अनुमोदन की भूमिका निभाता है? बताओ शिक्षकों को नियुक्त कौन करता है, इसका राइट आंसर बताइए। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है ये हमारा। जी ये हमने किया था, इसका राइट आंसर क्या होगा बताओ भी बताओ। प्रबंध बोर्ड होगा, सिंडिकेट होगा, अकादमिक परिषद, अध्ययन मंडल, यूनिवर्सिटी, क्या होगा इसका राइट आंसर बताओ भी बताओ। मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर ए होना चाहिए ना। जी देखें इसका राइट आंसर क्या होगा, देखते हैं हम इसका राइट आंसर क्या होगा, एक मिनट रुकिए। जी राइट आंसर देखते हैं इसका राइट आंसर, जी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। और इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, मैं आपको पीछे ले जाके दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखो इसके अंदर ये था ना हमारा, ये था ऑप्शन ए, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट था। इसके अंदर ये देखो यह संपत्ति कोष उसके प्रतिवेदन के प्रशासन का संचालन करता है। जी यही है इसका राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। जी आगे हम देखते हैं दोस्तों, आगे हमारा क्या क्वेश्चन है, प्रबंध कार्यकारी बोर्ड सिंडिकेट। जी प्रबंध बोर्ड यही है ना, सिंडिकेट, एक बार देख लेते ताकि यार हमें कंफ्यूज ना हो अभी। अगर हम प्रबंध, हाँ ये देखो प्रबंध बोर्ड यही है दोस्तों, ठीक है। ये क्या करता है, शिक्षकों को नियुक्त करता है और प्रशासन को संचालित करता है, काफ़ी प्रमुख कार्य इसके पास होता है। जी आगे हम देखते हैं दोस्तों, आगे हमारे क्वेश्चन किस तरह से रिपीट होते हैं एग्जाम में। सर्दी हो रही है भाई, सर्दी हो रही है, जुकाम हो गया मेरे को तो। जी आगे हम बात करते हैं दोस्तों, हमारा है टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी इन इंडिया, इससे रिलेटेड भी हमारे एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। जी देखते हैं ये हमारा टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी इन इंडिया। जी देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, ये इसकी स्थापना संसद के एक्ट के तहत की जाती है, और ये क्या है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जी और इन यूनिवर्सिटियों को सबसे ज़्यादा फंड दिया जाता है, यहाँ पर अन्य विश्वविद्यालयों के मुकाबले बेहतर सुविधाएं भी यहाँ पे होती हैं। आगे हम बात करते हैं राज्य स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, ये राज्य विधानसभा द्वारा पारित एक्ट के तहत स्थापित की जाती है। और ये देखो यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई देश की सबसे पुरानी राज्य विश्वविद्यालय है। डिम्ड टू बी यूनिवर्सिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड हमारे एग्जामिनेशन आ चुके बहुत बार। जी
केंद्र सरकार द्वारा यूजीसी की सलाह पर एक संस्था को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी घोषित किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे केंद्र सरकार द्वारा, यहाँ पे एग्जाम में क्या आ सकता है, राज्य सरकार आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी केवल और केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही स्थापित की जा सकती है जी। यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 के अनुसार डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी को स्थापित किया जाता है जी। यह एक मानित विश्वविद्यालय में जो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी होती है उसमें क्या होता है, पाठ्यक्रम, व्याख्यान, प्रवेश शुल्क और डिग्री देने में पूर्णतः स्वायत्तता होती है। ये अपने आप पाठ्यक्रम निर्धारित कर सकते हैं, डिग्री दे सकते हैं और ये फीस वगैरह, एडमिशन फीस जो भी रखना चाहिए रख सकते हैं। और इसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, 20 वर्षों से अस्तित्व में होनी चाहिए कोई भी यूनिवर्सिटी है वो, 2000 छात्र और 100 शिक्षक होने ज़रूरी है और इनका अनुपात 1:20 का होना ज़रूरी है। कम से कम 3 वर्षों के लिए अस्तित्व में कम से कम 5 स्नातकोत्तर विभाग होने चाहिए और इसका नैक का जो स्कोर है वो कितना होना चाहिए, 3.26 से कम नहीं होना चाहिए जी। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों इसमें निजी विश्वविद्यालय, इस तरह की यूनिवर्सिटी को स्थापना किसी प्राइवेट संस्था या स्पॉन्सरिंग बॉडी के द्वारा राज्य या केंद्र सरकार के कानून के तहत की जाती है। यूजीसी मान्यता प्राप्त प्राइवेट यूनिवर्सिटी डिग्री देने में सक्षम है, ये देखो ये भी डिग्री दे सकती है लेकिन किसी ऑफ कैंपस संबंधित कॉलेज की अनुमति नहीं दे सकती। समझ में आ गई ये बात, पहले होता था, पहले अगर हम बात करें 2015-16 के अंदर 14 के अंदर पहले ये सेंटर डिसाइड कर सकते थे, सेंटर खोल सकते थे अपने, लेकिन अब ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी सेंटर नहीं खोल सकती जी। आगे हम बात करते हैं मेटा यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। मेटा विश्वविद्यालय छात्रों को अपने पाठ्यक्रमों को डिजाइन करने, उच्च शिक्षा को अधिक उदार और जनता के लिए सुलभ बनाने के प्रयास किए जाते हैं। ये देखो मेटा यूनिवर्सिटी क्या होती है, ये कुछ एडवांस लेवल पे कार्य करती है, जो हमारी साइंस यूनिवर्सिटी है वो कुछ अलग कार्य करती है। मान के चलिए कि QS वर्ल्ड रैंकिंग में उनकी टॉप 100 वे रैंकिंग आ जाती है तो वहाँ पे उनको मेटा यूनिवर्सिटी स्थापित कर सकते हैं उसके अंदर जी। तो ये उच्च लेवल का कार्य करती है और इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक नहीं आए हैं जी। तो देखिए इसमें से जो क्वेश्चन आए वो हम देखते हैं दोस्तों। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी कौन सा कथन सही है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी में कौन सा कथन सही है वो हम देखते हैं। राज्य के राज्यपाल डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के, राज्य के राज्यपाल डीम्ड विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं। देखो द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज द चांसलर ऑफ द डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, क्या होगा इसका राइट आंसर देखते हैं। चलो इसको हम एक टाइम के लिए छोड़ देते हैं। वे अपना पाठ्यक्रम तथा पाठ्यचर्या बना सकते हैं, ये बात इसकी बिल्कुल सही है। ये सिलेबस और कोर्स डिसाइड कर सकते हैं, ऑप्शन 2 इसका सही है। वे दाखिला तथा शुल्क के विषय में अपने दिशा निर्देश बना सकते हैं, ये बात भी सही है। वे उपाधियां प्रदान कर सकते हैं, ये बात इसकी सही है। ऑप्शन BCD तीनों के तीनों सही है लेकिन 1 के अंदर हमारा कन्फ्यूजन है जी। तो इसके अंदर क्या राइट आंसर होना चाहिए, राइट आंसर हम देखें जी। राइट आंसर इसका ऑप्शन 2 है भाई, 2 इसका राइट आंसर है, BCD बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका गलत है, राज्य के राज्यपाल डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति नहीं होते जी। और आगे हम देखते हैं दोस्तों आगे इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन हमारे रिपीट हुए हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबंधित है वो हम देखते हैं जी। अभी देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी आ गई हमारी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में कौन सा करेक्ट है। केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना संसद के अधिनियम द्वारा होती है, ये बात सही है क्या, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जी बिल्कुल सही है। वह भारत के राष्ट्रपति केंद्रीय विश्वविद्यालय के विजिटर होते हैं, बताओ 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 जल्दी से बताओ सही है क्या ऑप्शन, हम पढ़ के आए हैं भैया, कटाई हो जाएगी आपकी जी। राइट आंसर ऑप्शन ये ठीक है, 2 भी सही है। राष्ट्रपति विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी समिति अथवा प्रबंध बोर्ड के कुछ सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, पता नहीं है ठीक है। राष्ट्रपति कभी कभार कार्यकारिणी समिति कोर्ट की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं जी। ये देखो यहाँ पे हम छोटा सा लॉजिक लगाते हैं, राष्ट्रपति के पास इतना टाइम नहीं है यार कि वो आके वहाँ पे मीटिंग वगैरह अटेंड करे, उनको देखे ठीक है। हाँ ये हो सकता है, उसके बोर्ड के सदस्यों को नियुक्त कर सकता है, वो रिकमेंडेशन भेज सकता है भाई इसको इस बोर्ड की कमेटी में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर ये देखो, ये 2 तो हमारे ऑप्शन राइट है ही है, ऑप्शन 1 और 2 ये तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन 3 और 4 में ऑप्शन 3 राइट होना चाहिए। तो 1, 2, 3
तो इसका ऑप्शन सी राइट होना चाहिए। देखें इसका राइट आंसर क्या होगा। जी देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। एक मिनट रुकिए भाई, एक मिनट रुकिए। जी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। वेरी गुड वेरी गुड दोस्तों, शाबाश, बहुत अच्छे। जी तो इस तरह से दोस्तों आप थोड़ा सा लॉजिक लगा के भी आंसर दे सकते हैं, थोड़ा सा कॉमन अंडरस्टैंडिंग यूज करके आंसर दे सकते हैं। जी तो आज की वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी ये आप हमें ज़रूर बताना, और नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें मैसेज कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम है तो। जी तो आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों, बाय। दोस्तों एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम 2023 को देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल पेड कोर्स लॉन्च किया है, कंप्लीट स्टडी कोर्स फॉर पेपर फर्स्ट। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है। नंबर एक पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स मिलेंगे हिंदी इंग्लिश में। नंबर दो पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोज मिलेंगी। नंबर तीन पे दोस्तों आपको 2012 से लेकर 2022 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे। नंबर चार पे दोस्तों आपको 2012 से लेकर 2022-23 तक जो भी हमारे क्वेश्चन आए हैं वो यूनिट वाइज किए हुए मिलेंगे। जैसे कि हमारे रिसर्च के क्वेश्चन आज तक जो आज के वो अलग है, आईसीटी के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है, सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर पांच पे दोस्तों जो सबसे यूनिक चीज आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, हमने यूनिट में से सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी अलग किए हुए हैं। जैसे कि रिसर्च में हम बात करें टाइप ऑफ रिसर्च, टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, टाइप ऑफ सैंपलिंग, इस तरह से हम बात करें टीचिंग में टाइप ऑफ टीचिंग मेथड, मॉडल ऑफ टीचिंग, इस तरह से सभी यूनिट के सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर छह पे दोस्तों आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा, इनके नोट्स दिए जाएंगे, इनकी वीडियोस आपको मिलेगी, प्लस में आपको लाइव मॉक टेस्ट भी मिलेगा इनका। नंबर सात पे दोस्तों आपको मैथ और डीआई के क्वेश्चन सोल्व किए हुए मिलेंगे नोट्स के अंदर। इस दौरान दोस्तों वीडियोज आपको लाइव प्लस में रिकॉर्डेड मिलेगी। जो दोस्तों लाइव क्लास लेना चाहता है वो लाइव ले सकता है, और जो रिकॉर्डेड देखना चाहता है वो रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकता है। इस दौरान आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसकी कोर्स की प्राइस हम बात करें तो 7 से 8 हज़ार रुपये इसकी फीस बनती है, लेकिन आपसे इतना पैसा नहीं लिया जा रहा दोस्तों। आप 500 से लेकर 1 हज़ार रुपये में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और समय समय पर ऑफर चेंज होता रहता है। तो आप नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।